सो वेलकम टू मुकुनत ब्लॉग वंस अगेन। आज हम लोग जो है दो दिन कुंडी आउटर रिंग रोड महादेवपुरा से और सिल्क बोर्ड साइड में रोड ट्रिप करेंगे और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है अभी। सो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, प्लेन व्यू जो है इस आउटर रिंग रोड का। तो अभी हम लोग आउटर रिंग रोड पे आ गए हैं। वीडियो क्लैरिटी में प्रॉब्लम होगी क्योंकि बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आउटर रिंग रोड जो कि आगे माराथल्ली सिल्क बोर्ड होते हुए और होसुर साइड में जाएगा। आउटर रिंग रोड पे जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे आउटर रिंग रोड पे आपको टेक पार्क दिख जाएंगे, लाइक बागमाने इंटरनेशनल टेक पार्क, इको स्पेस। तो आइए चलिए देखते हैं आगे का व्यू। यहाँ से यू टर्न अगर केयरपुरम साइड में जाना चाहते हैं तो, और ITPL वाइट फील्ड के लिए भी यहाँ से लेफ्ट टर्न ले सकते हैं आगे से। सो ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं। मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है अर्ली मॉर्निंग। सो अभी हम माराथल्ली पहुंचने वाले हैं और यहां से भी जो है ITPL वाइट फील्ड के लिए आपको ले सकते हैं क्योंकि आगे जो माराथल्ली जंक्शन आएगा ब्रिज उसके नीचे से हम निकलेंगे और आप यहां से लेफ्ट टर्न ले सकते हैं वाइट फील्ड ITPL के लिए। आप देख सकते हैं यहां से लेफ्ट हम लोग स्ट्रेट चलेंगे और माराथल्ली का ब्यूटीफुल व्यू। ये काफ़ी फेमस जगह है माराथल्ली, यहाँ पर बहुत सारे जो है शॉप रेस्टोरेंट और टेक पार्क तीनों कम्बिनेशन है। अभी हम लोग माराथल्ली ब्रिज पे नीचे से जा रहे हैं। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा माराथल्ली ब्रिज ऊपर से हम लोगों ने कुंदनअली साइड में कई बार रोड ट्रिप किया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी हम लोग नीचे से जा रहे हैं। इस पे भी मेट्रो वर्क चालू हो गया आउटर रिंग रोड पे जो कि सिल्क बोर्ड्स साइड से होते हुए इधर केयरपुरम तक कनेक्ट करेगा इस रोड पे। तो अभी बैरिकेडिंग और कुछ कुछ पिलर्स आप देख सकते होंगे। आज धूप बिल्कुल नहीं है, बारिश हो रही है हल्का हल्का। और सुबह का टाइम है अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock।
दोनों साइड में हर टाइप के शॉप, मोस्टली इटरीज, और आप राइट साइड में देख सकते हैं एडोबे बिल्डिंग्स, क्योंकि मेट्रो वर्क की बैरिकेडिंग है तो क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, अभी कोशिश करेंगे। ये सामने राइट साइड में आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है एडोबे की है, और लेफ्ट हैंड साइड में सरारपुरिया सत्ता की बिल्डिंग है, ये भी टेक पार्क ही होगा। सेल पेट्रोल पंप लेफ्ट साइड, इस एरिया को कादसिना हल्ली बोलते हैं, आउटर रिंग रोड पे है, यहाँ बस स्टॉप भी है, और यहाँ से हम अंडरपास लेंगे आगे से और यू टर्न लेने के लिए, और इनको जो ऊपर जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में वासो रोड साइड जाने के लिए। सो हमारी जर्नी में सेकंड आई थिंक ये, हाँ यस, सेकंड अंडरपास, यहीं पर न्यू हॉरिजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है लेफ्ट हैंड साइड में, आप देख सकते हैं एक काफी फेमस कॉलेज है, और लेफ्ट हैंड साइड में ससना बिजनेस पार्क आप देख सकते हैं, और काफी टेक पार्क इस पे अब आने वाले हैं। सामने आप देख सकते हैं न्यू हॉरिजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको बेलंदूर एरिया बोलते हैं, न्यू हॉरिजन कॉलेज लेफ्ट हैंड साइड में, और सामने अगेन लेफ्ट हैंड साइड में आपको टेक पार्क दिखेगा, वेल्स फार्गो बिल्डिंग, वेल्स फार्गो, और सामने अगेन लेफ्ट हैंड साइड में एम्बेसी टेक विलेज आप देख सकते हैं, एम्बेसी टेक विलेज। सो जैसा मैंने शुरू में बताया, बहुत सारे टेक पार्क हैं इस आउटर रिंग रोड पे अलग अलग ग्रुप के, शारजापुर साइड में जो शारजापुर जंक्शन है, शारजापुर रोड और आउटर रिंग रोड का उसकी तरफ आ रहे हैं, और चूँकि हम लोग ओवर ब्रिज पे आ गए हैं तो सामने आप होटल भी देख सकते हैं फेयरफील्ड मैरियट, बहुत ही बड़ा फेमस टेक पार्क आने वाला है इको स्पेस, उसी के अंदर कोर्टयार्ड मैरियट होटल एंड सो ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्क लेफ्ट हैंड साइड में। इसके बाद आप देख सकते हैं ये चीज
फ्रंट साइड में पूरा टेक पार्क ही है, इको स्पेस, लेफ्ट हैंड साइड में इको स्पेस, ऑल्सो टेक पार्क। सो काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर से जुड़ी कंपनियां हैं, आईटी है। काफ़ी ट्रीज़ के लिए भी फेमस है, आपको इंडियन, साउथ एशियन, एशियन कॉन्टिनेंटल, मतलब आपको खाना कहीं का मिल जाएगा, जिस फ्लेवर और जहाँ का भी आप चाहें। इस मामले में काफ़ी फेमस है क्योंकि चूँकि कॉस्मोपॉलिटन जगह है, सो साइड में जा रहे हैं वाया आउटर रिंग रोड। और सामने आप देख सकते हैं जो ओवर ब्रिज आएगा वो सारजापुर जंक्शन उसको बोलते हैं, तो हम लोग ऊपर से निकल जाएंगे और सारजापुर जिसको जाना होता है वो सर्विस लेन लेकर के आगे से लेफ्ट टर्न ले लेता है, रीच टू सारजापुर रोड। तो यहाँ सर्विस लेन कटा हुआ आप देख सकते हैं, ऊपर से जाएंगे एंड ब्यूटीफुल व्यू सामने आपको एक हॉस्पिटल भी दिख जाएगा फेमस बैंगलोर का। नाम आप देख सकते होंगे वीडियो में, मेक स्टेबल एज मच एज पॉसिबल। बैंगलोर में एक चीज है कि यहाँ पे ग्रीनरी काफी आपको मिलेगी, आई थिंक पॉल्यूशन वाइज थोड़ा सा हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि बैंगलोर में पॉल्यूशन लेवल इतना नहीं है। अभी हम लोग इवलूर जंक्शन साइड में पहुंच गए हैं, सो फिर आगे तक हम जाएंगे सिल्क बोर्ड। पॉल्यूशन वाइज काफ़ी कंट्रोल्ड है क्योंकि ग्रीनरी भी है, पेड़ हैं और प्लस बारिश होती रहती है, सो सिचुएशन इज मच मच बेटर देन द कंपेयर टू दिल्ली एंड ऑल सिटीज। सार लेआउट वालों के लिए यहाँ से जाते हैं, फिर आपको फ्लाईओवर
आप देख सकते हैं हनुमान जी का बड़ा सा स्टैचू। वीडियो कॉम्प्लेक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, यहां से लेफ्ट और नीचे सार के लिए जा सकते हैं। सर लेआउट आप देख सकते हैं, हम लोग सिल्क बोर्ड के लिए स्ट्रेट चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड एरिया को बहुत बड़ा वो एच एस आर लेआउट है उसी के अंदर आता है। एंड बहुत सारे सेक्टर हैं इसमें एच एस आर लेआउट में। सिल्क बोर्ड से आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर होसूर जाना है तो आप जा सकते हैं, होसूर साइड मड़ी वाला साइड है। एंड राइट साइड में आप सिटी में जा